हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करते हैं यूट्यूब पे। तो न्यू क्रिएटर्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप पूरा सीख सकें। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप इस चाहे YouTube चैनल को क्रिएट करने के लिए YouTube के एप्लीकेशन पे जाइए। तो जब आप YouTube पे चले गए तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यू करके, वहाँ पर जाइए। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा क्रिएटर चैनल। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो नीचे आएगा पिक्चर, नेम, हैंडल। तो वो लोग एक नेम आपको सजेस्ट करेंगे, जो आपका नेम है वो नेम वहाँ पर दिया होगा। हैंडल का नाम आप चेंज कर सकते हैं, अगर वो अवेलेबल होगा तो वो दिखाया जाएगा, और अगर आप कोई और हैंडल देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। पहले आप अगर आपको यही हैंडल चाहिए तो आप सिर्फ ये दबाए कि क्रिएटर चैनल, क्रिएट चैनल कर दीजिए। क्रिएट चैनल जब आपने कर दिया तो चैनल क्रिएट हो गया, पर यहीं पर आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। उसके लिए आपको एक मतलब थोड़ा और काम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रोम ब्राउज़र पर जाना पड़ेगा। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा studio.youtube.com। सो studio.youtube.com यहाँ पर अगर आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा गेट द ऐप और कंटिन्यू टू स्टूडियो। पहले आप कंटिन्यू टू स्टूडियो करें, तो कंटिन्यू टू स्टूडियो करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। थोड़ा समय आपको रुकना पड़ेगा। सो वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो आ गया। सो यहाँ पर आप कंटिन्यू करके ये डेस्कटॉप मोड पर आएगा। सो यहाँ पर आएगा कि चैनल एनालिटिक्स, जो अभी तक तो आपने सिर्फ चैनल क्रिएट किया है, कुछ भी मतलब स्टार्ट तो नहीं किया है वीडियोस, तो यहाँ पर चैनल एनालिटिक्स में ज़ीरो आएगा एनालिटिक्स में। तो आपको पहले चैनल का कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस आइकन को आप नोटिस करिए, ये वाला एडिट का आइकन है, वहाँ पर आप कस्टमाइजेशन पे जाएंगे तो आपका ये सब आ गया, ये वीस आपका चैनल कस्टमाइजेशन आ गया। वहाँ पर आपको पहले अपना चैनल का एक लोगो, एक ब्रांडिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ब्रांडिंग पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट आया है कि पिक्चर, पिक्चर कौन सा पिक्चर आपको देखना दिखाना है लोगों को अपने हैंडल पे यूट्यूब के, तो वहाँ पर वो अपलोड कर सकते हैं। फिर बैनर इमेज अपलोड कर सकते हैं। फिर वीडियो वाटरमार्क, कौन सा वाटरमार्क आप लोग दिखाना चाहते हैं। तो पहले हम लोग पिक्चर को अपलोड करना पड़ेगा, फिर बैनर इमेज को, फिर वीडियो वाटरमार्क को। तो उसके लिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो पिक्चर है वो आपको 98x98 पिक्सल या 4 MB के लेस में देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक पिक्चर पहले खुद ही अपने गैलरी में एडिट करके बनाना पड़ेगा, जो कि होगा 4 MB से लेस होना चाहिए। और जो आपका बैनर इमेज होगा, मतलब जो आपके जैसे आपके इंस्टाग्राम में एक कवर, इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक में जो एक कवर पिक्चर होता है और एक मेन जो प्रोफाइल पिक्चर होता है, तो ये कवर इमेज है, बैनर इमेज एक्चुअली। तो कवर इमेज के लिए आपको एक रेक्टेंगल टाइप इमेज होना चाहिए, तो 2048x1152 पिक्सल्स या 6 MB से लेस होना चाहिए। तो वो हमें अपलोड करना पड़ेगा। और वीडियो वाटरमार्क अभी अपलोड नहीं करने से भी होगा, बाद में अपलोड करने से भी होगा। तो फ्रेंड्स, हमें पिक्चर अपलोड करने के लिए पहले आपको गैलरी में एक पिक्चर रखना पड़ेगा जो आप यूट्यूब के अपने चैनल पे देना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले आप पिक्चर में जाइए, फिर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, अपलोड पे। तो यहाँ पर आएगा अलाउ क्रोम टू एसेस फोटोज एंड मीडियाज ऑन यूनिवर्स। अगर पहले ही आपने परमिशन दिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया तो अलाउ कर दीजिए। और उसके बाद सिलेक्ट एन इमेज आएगा, तो मैंने ये वाला इमेज सिलेक्ट किया है, ये वाला इमेज। तो हमें यहाँ पर डन करना पड़ेगा, तो ये आपका चैनल का इमेज आएगा। तो यहाँ पर डन कर दीजिए, ये आपका हो गया।
फिर आपको बैनर इमेज करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से अपलोड कीजिए, तो अपलोड पे जाने के बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए, तो उसमें डन कीजिए, डन में कीजिए, तो ये आएगा कि कभी कभी हो सकता है कि 1024x574 पिक्सल्स का होना चाहिए, तो आपको फिर से रिट्राई करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई और इमेज देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये तो अब हम बैनर इमेज अपलोड करते हैं, तो उसके लिए आपको अपलोड पे जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक इमेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, सपोज़ ये इमेज, उसके बाद आप डन कीजिए, तो ये इमेज आ गया व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइसेस, तो इसको डन कीजिए और ये भी आपका अपलोड हो गया है। उसके बाद इस आपको ये सब चेंजेस जो है वो पब्लिश पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये आपका सेव हो जाएगा चेंजेस, ओके। उसके बाद आपको बेसिक इन्फो पे जाना है, वहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी आपका हैंडल है उसका नाम दिया होगा, और डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि आपने कौन किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे आप वीडियो बना पाए। सपोज़ ये एक टेक चैनल है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कौन से वीडियोस पे आप, दिस इज़ अ, यू कैन राइट दिस इज़ अ यूट्यूब टेक चैनल, प्लीज एन्जॉय। सो ये हो गया आपका मेन थिंग्स, उसके बाद आप ये पब्लिश कर दीजिए, तो ये सब हो गया। तो आपका मेन जो चैनल का जो भी बनाना था, तो आपका चैनल बन चुका है और आप वहाँ पर डैशबोर्ड पे आप जा सकते हैं, डैशबोर्ड पे, तो ये रहा आपका चैनल। सो थैंक यू एवरीवन, होप यू विल सपोर्ट दिस वीडियो, थैंक यू।